Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to continue our chapter 12, continents, North and South America and Europe from class 7th SS semester 2. Agriculture and minerals. 60% of the population is involved in agricultural activities in mere 4.2% of the total agricultural land area. Due to the varied climatic condition, physiography and soil, the focus of agriculture has slightly altered from shift agriculture to planting of cash crops. Thus, apart from a variety of cash crops, vegetables, orchards and horticulture farms developed tremendously. Here, crops like cocoa, coffee, corn, sunflower, linseed and fruits are grown. 90% of the coffee of the world is obtained from the countries like Brazil, Colombia, Venezuela and Ecuador. अर्जेंटीना ब्राज़ील आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड शुगर केन. तो कुल कृषि भूमि क्षेत्र का मात्र 4.2% कृषि गतिविधियों में 60% आबादी शामिल है. विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में जो भौतिक विज्ञान और मिट्टी के कारण कृषि का ध्यान शिफ्ट कृषि से नकदी फसलों के रोपण में थोड़ा बदल गया है. इस प्रकार विभिन्न प्रकार की नकदी फसलों, सब्जियों, बागों और बागवानी फार्मों के अलावा ज़बरदस्त इसमें विकास हुआ है. यहाँ कोको, कॉफ़ी, मक्का, सूरजमुखी, अलसी और फलों की फसलें उगाई जाती हैं. दुनिया की 90% कॉफ़ी ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुएला और इक्वेडर जैसे देशों में प्राप्त की जाती है. अर्जेंटीना, ब्राज़ील गेहूँ और गन्ने के प्रमुख ये उत्पादक हैं. The minerals like manganese, copper, mineral oil and coal are also obtained here. Maximum tin and mineral oil are found. 4.6% of mineral oil of the world is obtained from Venezuela. तो मैग्नीज, तांबा, खनिज तेल और कोयला जैसे खनिज भी यहाँ प्राप्त होते हैं. अधिकतम टिन और खनिज तेल पाए जाते हैं. दुनिया का खनिज तेल का 4.6% वेनेजुएला से प्राप्त किया जाता है. In the plains of South America, roadways and the trans-Andean railways link Buenos Aires to Lima. Waterways like the Panama Canal are a blessing and a boon for countries of North America and Japan. तो दक्षिण अमेरिका के मैदानी इलाकों में रोडवेज और ट्रांस-Andean railways Buenos Aires को लीमा से जोड़ते हैं. पनामा नहर जैसे जलमार्ग उत्तरी अमेरिका और जापान के देशों के लिए एक वरदान साबित हुए हैं. Introduction of the country. Brazil. Brazil is the biggest country in area in the southern hemisphere and fifth in the world. Its length and width is almost the same. Portuguese ruled over Brazil in olden times. Therefore, people speak Portuguese language. It shares border with each and every country of South America except Chile and Ecuador. The Amazon rainforest is an incredible diverse ecosystem that is home to the new species of plants, animals, insects and birds that are discovered every day. Example, anaconda. This large snake is found here. The maximum number of people of the country live in the eastern part of the country. Among them, 60% of the population live in rural areas. Due to the industrialization, people move to the urban areas. Brasilia is the capital of the country. दक्षिण हेमिस्फीयर यानी कि जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें क्षेत्रफल में ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है और दुनिया में पांचवा है. इसकी लंबाई और चौड़ाई लगभग समान है. पुराने समय में पुर्तगाली ब्राज़ील पर शासन करते थे इसलिए लोग पुर्तगाली भाषा बोलते हैं. यह चील और इक्वेडर को छोड़कर दक्षिण अमेरिका के प्रत्येक देश के साथ सीमा साझा करते हैं. अमेज़न रेनफॉरेस्ट एक अविश्वसनीय रूप से एकदम डाइवर्स इकोसिस्टम है जो पौधे, जानवरों, कीड़े और पक्षियों की नई प्रजातियों का घर है जो हर दिन खोजे जाते हैं. उदा एनाकोंडा यह उदाहरण के रूप में यहाँ पे दिया है. एनाकोंडा यह एक बहुत ही बड़ा सांप यहाँ पर पाया जाता है. देश की पूर्वी हिस्से में देश के अधिकतम लोग रहते हैं. इनमें 60% आबादी ग्रामीण इलाकों में है यानी गाँव के लोग यहाँ पर रहते हैं. औद्योगिकरण के कारण लोग शहरी क्षेत्रों में चले जाते हैं और ब्राज़ील की जो राजधानी है वो ब्राज़ीलिया है. नेक्स्ट इज अर्जेंटीना. अर्जेंटीना इज सिचुएटेड नियर एंडेस माउंटेन्स. इट इज़ अ ट्राइंगुलर इन शेप. इट्स विड्थ इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. इट एक्सटेंड्स टिल द एंटार्क्टिका इन द साउथ. द वार्म करंट्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ, पास थ्रू द मेनी वॉल्केनोज देयर एंड मेक द लैंड कोल्ड एंड ड्राई. मेनली व्हीट एंड ग्रेप्स आर ग्रोन हियर. यूरोपियन पीपल आर सीन मोर इन नंबर. 68% ऑफ द पीपल लिव इन द सिटीज एंड दे मेनली स्पीक स्पैनिश.
इट्स कैपिटल इज ब्यूनोस एरीज। तो अब हम बात कर रहे हैं अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना एंडेस पर्वत के पास स्थित है। यह आकार में त्रिकोणीय है, यानी कि ट्राइंगुलर शेप में है। इसकी जो चौड़ाई है वो उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई का आधा है। ये दक्षिण में अंटार्कटिका तक फैला हुआ है। गर्म धाराएं उत्तर में दक्षिण की ओर बहती हैं। वहाँ कई ज्वालामुखियों से होकर ये गुजरती हैं और भूमि को ठंडा और सूखा बनाती हैं। मुख्य रूप से गेहूं और अंगूर यहाँ पर उगाए जाते हैं। यूरोपीय लोग संख्या में बहुत अधिक यहाँ पर देखे जाते हैं। 68% लोग शहरों में रहते हैं और वे मुख्य रूप से स्पैनिश बोलते हैं। इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। नेक्स्ट इज यूरोप। वी कैन नो अबाउट न्यू थिंग्स फ्रॉम द इंटरनेट, मोर ओवर वी कैन मेक फ्रेंड्स इन फार ऑफ प्लेसेस और कंट्रीज। भव्य हैड मेड फ्रेंड्स विद अल्फोंस फ्रॉम पेरिस एंड ही हैड सेंट ब्यूटिफुल स्नैप्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस ऑफ यूरोप। लेट अस सी एंड लर्न अबाउट इट। तो यहाँ पे आप 12.15 फिगर जो देख सकते हैं पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप का, तो हम इंटरनेट से नई चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा हम दूर के स्थानों या देशों में दोस्त बना सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। भव्य ने पेरिस में अल्फोंस करके एक बच्चा है उससे दोस्ती की थी और उन्होंने यूरोप के अलग अलग स्थानों की खूबसूरत तस्वीरें उसको भेजी थी। तो आइए अब हम इसके बारे में आगे देखें और जानें। द बिगेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड, यूरेशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय द यूरल माउंटेन्स। लेक लडोगा इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, लोकेटेड इन रशिया। इट इज स्प्रेड ओवर 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर एंड 64 करोड़ पीपल लिव इन दिस कॉन्टिनेंट। भव्य, आई शिल नाउ टेल यू अबाउट द पेरेनियल रिवर्स, द राइन, वल्गा, डनबे एट्सेट्रा आर द मेन रिवर्स। तो दुनिया के सबसे बड़े प्रायद्वीप यूरेशिया को यूराल पर्वत से एशिया से अलग किया जाता है। लाडोगा झील रूस में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है और ये लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर यानी कि स्क्वायर किलोमीटर में ये झील फैली हुई है और 64 करोड़ लोग इस महाद्वीप में रहते हैं। तो भव्य जो है वो बता रही है कि अब ये वो आपको 12 मासी नदियाँ जो पूरे साल जो नदियाँ बहती हैं उसके बारे में यहाँ बता रही हैं कि जो राइन है, वोल्गा है, डेन्यूब है, ये यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। सो टिल हियर, इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू द चैप्टर। बाय बाय।